ऑनलाइन गेम्स फ्रेंडशिप होटल में रेप और फिर धर्म परिवर्तन का खेल। ओडिशा के जगतपुर जिले की एक घटना, महिला के साथ लव जिहाद की घटना सामने आई है। लव जिहाद, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द लव यानी प्यार मोहब्बत, इसका और अरबी भाषा का शब्द जिहाद, जिसका मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। जब एक धर्म की लड़की दूसरे धर्म के लड़के से प्यार कर लेती है और वह लड़का उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन करवा देता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है। इन सभी घटना को जोड़ने वाली कड़ी है ऑनलाइन गेमिंग। अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तो सचेत हो जाइए और पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर आप एक लड़की हैं तब तो आपके लिए ये वीडियो बेहद ज़रूरी है। ऑनलाइन गेमिंग से दोनों की दोस्ती होती है, फिर नंबर एक्सचेंज होते हैं और फिर यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। फिर वह दोनों कुछ समय तक बातें करते हैं और उसके बाद से हर लड़का मिलने की जिद करता है। फिर लड़की और लड़का एक होटल में मिलते हैं जहां लड़के ने पहले से ही उसकी वीडियो बनाने की पहले से सेटअप कर रखा रहता है। होटल के कमरे में दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और इन सब चीज़ों का लड़का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, और यहाँ भी लड़की की मंजूरी नहीं होती है। उसको प्यार और इश्क का नाता देकर उसके साथ जबरदस्ती यह संबंध बनाया जाता है। इतना सब होने के बाद लड़की समझ जाती है और वह धीरे धीरे उस लड़के से दूरी बनाने लगती है। फिर जब लड़की उससे बात करने से मना करती है तो वह उन अश्लील वीडियो का झांसा देकर उसे ब्लैकमेल करता है, और एक बार वह उसके घर भी पहुँच जाता है और उसके पिताजी से कुछ पैसों की डिमांड भी करता है। लड़की के पिता द्वारा उसको पैसे नहीं देने पर वह वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और लड़की के कुछ रिश्तेदारों को भी वह वीडियो भेज देता है। इतना सब होने के बाद लड़की थाने में FIR करती है और वह लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तो इन सब चीज़ों से सावधान रहें। और गाइस, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में।